राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। राजस्थान में एक तरफ जहां कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 5 साल के बाद सत्ता में वापसी की योजना बना रही है। नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ साक्षी शर्मा। पिछली बार हमने बात की थी नागौर विधानसभा सीट की और आज हम बात करेंगे चौमू विधानसभा सीट के बारे में। चौमू विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने यहां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने यहां विधायक रामलाल शर्मा को फिर से मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भगवान साय सैनी का टिकट काट के डॉक्टर शिखा मेल बराला को मौका दिया है। चौमू विधानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा है और वर्तमान में रामलाल शर्मा यहाँ विधायक है। अब अगर नजर डालें 2018 के विधानसभा चुनाव पे, तो बीजेपी के रामलाल शर्मा ने कांग्रेस के भगवान साय सैनी को महज 1288 मतों से हरा कर जीत दर्ज की। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के भगवान साय सैनी को 68,895 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के रामलाल शर्मा ने 70,183 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के छोटालाल यादव ने 39,042 वोट हासिल कर चुनाव को रोमांचक बना दिया। अब बात करें चौमू विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की, तो यहां पर लगातार 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। 2003 के चुनाव में पहली बार रामलाल शर्मा विधायक बने थे। उसके बाद 2008 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रामलाल शर्मा महज 135 वोटों के अंतर से हार गए थे और तब भगवान सैनी विजयी हुए। लेकिन उसके बाद 2013 और 2018 में लगातार रामलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। अब बात करें चौमू विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहां 2,51,000 के आसपास मतदाता है। चौमू विधानसभा सीट पर यादव और जाट वोटर्स का दबदबा है और यहां अन्य जातियां भी भाव रखती है। चौमू विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार चौमू विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।